से आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। संगम नगरी प्रयागराज में भी पूजित कलश यात्राएं निकाली जा रही है। राम भक्तों को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर समाज भी भगवान रामलला के गर्भ गृह में विराजने को लेकर उत्साहित है। आज किन्नर समाज पहले विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद अयोध्या को रवाना हुआ। रास्ते भर झूमते गाते और जय श्री राम का नारा लगाते हुए रवाना हुए। किन्नर समाज की ओर से मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि किन्नर समाज का भगवान श्री राम से एक और नाता है। भगवान श्री राम माता कैकेयी के 14 वर्ष के वनवास का वर मांगने के बाद जब वन प्रस्थान कर रहे थे तो पूरे अयोध्या नगरवासी उन्हें सरजू के तट पर विदा करने आए थे। वनवास पर जाते हुए भगवान श्री राम ने सभी नर नारी को वापस लौटने के लिए कह दिया था, लेकिन किन्नर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जिसके चलते प्रभु श्री राम का आदेश मानकर किन्नर माताओं ने भी 14 वर्ष तक वनवास काटा। श्रीलंका पर विजय के बाद जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास पूरा कर लौटे तब किन्नर माताओं ने उनकी आरती उतारी थी। आज भी वही माहौल देखने को मिल रहा है। किन्नर माताएं प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी होने जा रही हैं। जी आज हमारे किन्नर समाज में बहुत हर्षोल्लास है, बहुत हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि हमारे राम भगवान रामलला का 500 बाद एक टेंट के कुटिया से उनका भव्य मंदिर बनने जा रही है और उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और उसमें हमको निमंत्रण आया है, तो इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं क्योंकि राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मैं अपने नग्न आँखों से देखने जा रही हूं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकती हूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकती शब्द में, बहुत अंदर से खुशी है क्योंकि राम भगवान से हमारा पुराना रिश्ता है। जब राम भगवान सरजू जी के तट पर जब वनवास जा रहे थे तो भी हमारे किन्नर समाज विदाई देने गए थे, तो इसी तरह आज मैं राम भगवान का स्वयं एक भव्य मंदिर बनने जा रही है, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उनके लिए मैं जा रही हूँ वहाँ देखने के लिए। मैं पूरा किन्नर समाज के नेतृत्व करके जा रही हूँ, तो पूरा किन्नर समाज हमको जैसे राम भगवान वनवास जा रहे थे उनको विदाई देने के लिए जब गए थे सरजू जी के तट में, ऐसे ही आज हमको विदाई देने के लिए सारे हमारे मोहल्ले के जितने ही माताएं हैं, जितने हमारे किन्नर बहनें हैं, हमारे जितने किन्नर शिष्य हैं, सब कोई आए हैं विदाई देने के लिए। मैं हर्ष उल्लास के विभूत हूँ। ये सब राम भगवान की कृपा है, ये सब सीता मैया की कृपा है। यदि सीता मैया और राम मैया की कृपा नहीं, राम भगवान का कृपा नहीं होता तो ये दिन हमको नहीं मिलता। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। अब रामलला 14 बरस वनवास गए थे तो हमारे किन्नर माता भी 14 बरस वनवास काटे थे। रामलला जब जन्मे थे तो भी हमारे माताओं ने गोदी में लेके सोहर गाई थी और ये इतिहास में हमेशा किन्नरों को रामचरित्र मानस में 36 बार किन्नरों का उल्लेख है, तो इतनी बड़े हमारे महत्व है रामचरित्रमानस और राम भगवान से तो क्या चाहिए हम लोग के लिए।